किसी का क्रिटिसाइज करना यह हमारा मकसद नहीं है। यह सब छोड़ दिए हम केसीआर को और मोदी को। अब तेलंगाना का जनता का मूड तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी ना किसी तरह हुकूमत में लाना ये वोटरों का इरादा हो गया है। हम तो कहते हैं हमको वोट दो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं अरे हम आपको वोट देने के लिए तैयार है, और इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकार में आए। क्योंकि ये कोई किसी को दुख पहुंचाना, किसी का क्रिटिसाइज करना यह हमारा मकसद नहीं है। यह सब छोड़ दिए हम केसीआर को और मोदी को। यह तो तेलंगाना का जनता का मूड ये है। और इरिगेशन में जो घोटाला हुआ कल्लेश्वरम बैरेज में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले के वजह से और जो भ्रष्ट सरकार यहाँ है इन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की है। और इसको तो पहले तो जोर से मोदी साहब बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी आवाज भी केसीआर के खिलाफ कमजोर हो गई है। और केसीआर भी मोदी जी को पहले बहुत बोलते थे, कहा यहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे, यहाँ से केसीआर साहब चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे कि सारे हिंदुस्तान में अपने पार्टी को फैलाने के लिए गए थे, लेकिन सिर्फ मोदी के पास ही वो सुकड़ गए। जो मोदी बोले वही सही, और उसके से ज़्यादा नहीं बोलना, ये उन्हीं का जो ये कहना है। और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी।